देखिए, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग का मामला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सडनली छापे मारे जाते हैं और ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टीप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा। बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर वन कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है। और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है, मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है। उनके घर में किसी ने रखा है चुपचाप, बार पीछे से फ़ोन कर दिया है। सो ये षड्यंत्र है, और उन्होंने कबूल किया है तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी वो, हाँ, जो हमारी एजेंसी एनसीबी वो अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ सबको, एक एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो, जैसे कोरोना का चेक हो गया वैसे मुझे लगता है कि लीगल दिखाओ, हाँ सबको विनाश, हाँ सबको विनाश काल दिखाओ, और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया है वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा। फिल्म के बारे में पूछो भाई, फिल्म के बारे में और कोई पूछना चाह रहा है? एजाज भाई, एजाज को बुला लो, एजाज भाई। मैं दोस्तों, मुझे रियली ये बहुत दुख हो रहा है कहने के कि फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ किसी का षड्यंत्र है या ड्रग व्रग को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, बहुत गलत बात है ये। नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, हाँ नहीं नहीं। शिवा नुपुर को लेकर आना, कौन नुपुर जी आ गई, क्या बात है, हाँ जी समीर को अच्छा भाई, मेरे को तो नहीं पकड़ेंगे, मैं तो कभी नहीं करती बाबा, मैं तो हाय नुपुर भाई, मैं तो कभी नहीं करती भाई, मैं तो कभी नहीं करती, छोड़ना ये बात ही मत, मैं तो खुद सुनना, मैं खुद ही जिंदा ड्रग हूँ, ये तो सही हिल्स पहन के आई है, मैं तो दिखी नहीं रही हूँ। अच्छा हेलो, चलो हाँ, ये मैंने राखी के साथ पहली फिल्म भी मेरी पद, मैं शरद कपूर, हैदर काजमी, शिवराम यादव की फिल्म थी, काफी फिल्में करी हमने, हाँ हमने साथ में बहुत काम किया है। राकेश भाई है मेरा, ने फ़ोन किया, गाना भेजा, बहुत अच्छा गाना था, राखी थी साथ में, तो गाना देखा ही तूने कैसा गाना है, तो कर दिया मैंने और बहुत अच्छे शूट हुआ है। कोरोना काल में आप लोगों ने शूट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस, और फिल्म भी अभी रिलीज होने जा, ये गाना हमने सबसे पहले किया, उसके बाद कोरोना आया, गाना शूट किया हम लोगों ने, नहीं तो इसमें मेरा भी रोल था, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जब मुझे राकेश ने फ़ोन किया फिल्म के लिए तो मैंने गाने सुने, गाने बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िकल गाने हैं, बहुत रोमांटिक गाने हैं, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, साउथ के भी कलाकार हैं, शी इज़ लुकिंग हॉट, और थैंक यू। और राखी और एजाज का आइटम नंबर तो बहुत ही फेमस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, हमने शूटिंग भी बाहर ही करी थी, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ का फोर्ट कितना फेमस हुआ था एक और फिल्म के लिए, तो बहुत अच्छा पूरा टीम वर्क था, एक फैमिली लाइक एक्सपीरियंस था, और बहुत मज़ा आया काम करके, आपको फिल्म देख के भी उतना ही मज़ा आएगा। एजाज जी, फिल्म की प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यार एक प्रमोशन ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया पावर है, राखी के इतने फैंस हैं मेरे हैं,
नुपुर जी के और जितने साउथ के भी बहुत सारे इसमें स्टार्स हैं उनके हैं, और क्या अच्छी चीज़ होती है, गाना अच्छा होता है ऑटोमेटिक लोग पकड़ लेते हैं, और पब्लिसिटी अच्छी कर रहा है, पोस्टर होर्डिंग लगवा रहा है पूरे इंडिया में, और मेहनत की है तो काम लोगों को देखना चाहिए, और लोगों के पास देखने को कुछ बचा ही नहीं है यार, सब देख लिया लॉकडाउन में लोगों ने, दे वांट न्यू थिंग्स। सर आप बताइए कैसा रहा है एजाज और राकेश जी के बारे में, तो आपने बता दिया, एजाज सर के बारे में बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताइए। एक ही वर्ड है, एक नंबर। इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान है बहुत एजाज खान। मजा आया क्योंकि गाना ऐसा था कि पहला गाना जिसमें राकी के अल्फाज नहीं है, और शीशे के ऐसा चाहिए कैरेक्टर जो इस गाने को एकदम उठा दे, तो मेरे और राकी ने कहा कि एजाज आज के टाइम पे ये गाना सिर्फ एजाज का है, और अगर एजाज आ जाए और हम दोनों मिलके ऐसा फाड़ देंगे गाना, और आपने जो देखा है एक्सेलेंट जॉब किया है दोनों ने, एंड स्पेशली राकी 104 पुकार में हाँ क्या डांस किया है, मैं रियली थैंकफुल कि अगर हम उस टाइम नहीं करते शायद वो लोकेशन नहीं मिलती जो हमें मिली है, ग्रेटफुल टू राखी के वो परफॉर्मेंस किया और वो हार्डवर्क। नहीं मैंने एजाज को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मैं और एजाज हम लोग एक शो करने गए थे, वहाँ पे सारी पब्लिक एजाज को देखकर पागल हो गई थी, 1.5 साल पहले की बात है, और ओ माय गॉड वहाँ पे तो कहाँ गए थे उधर कुछ तो दिल्ली के आगे हाँ बहुत मुरादाबाद हाँ मुरादाबाद नहीं पता नहीं मुरादाबाद या कुछ ठंडी कितनी थी वाली लेडीज सब मेरे को ठंडी होती है हाँ हाँ पता नहीं हम लोग गए थे शो करने इतने पब्लिक पागल हो गए घेर लिया वहाँ पे सबने एजाज खान को एजाज खान भी अपना जोश में आके शर्ट वर्ट उतार दिया तो एकदम सिर्फ लेडीज पुलिस ने घेरा भाई क्या है देखो ये डायरेक्टर के हाथ में है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में, अभी वो जैसा प्रमोट करेंगे उस पे वो वैसा है, सलमान भाई तो मेरी हर चीज प्रमोट कर ही देते हैं आप देखते ही हो। हाँ पता नहीं वो राजकुमार एक मिनट एक एजाज से और कोई क्वेश्चंस और नुपुर से और कोई क्वेश्चंस सोलो एनी क्वेश्चंस फॉर नुपुर एंड एजाज थैंक यू। बोलना चाहूंगा कि आप और आके में जो खूबी है आप क्या चाहते हैं बॉलीवुड में और लोगों को आए इस तरह की नहीं हमारी ट्यूनिंग अच्छी है भाई विषय होता तो सब चुप ही साथ लेते हैं आपके और आके देखो क्या है भाई के क्रांतिकारी बनने में नुकसान बड़े है अभी क्या है मैं और राखी बिंदास बोलते हैं धीरे धीरे अब हमारे फैन भी बन गए देखो कंगना रनौत ये सब भी yes. हमको फॉलो कर रहे हैं तो हमारे फैंस भी बहुत ऐसा नहीं है बहुत बड़ी फैन है कंगना रनौत हम दोनों अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे हैं लेकिन yeah. हम जो बोल रहे हैं वो हम किसी का खा के नहीं खोद रहे यू नो इंडस्ट्री हमारी है हमको इंडस्ट्री ने बहुत काम दिया बहुत इज्जत दी हम आउटसाइडर है सेम कंगना को भी दी लेकिन कंगना क्या कर रही है सिर्फ वो अच्छी है और पूरा बॉलीवुड की लड़कियां खराब है पूरा बॉलीवुड खराब है पूरा बॉलीवुड गटर है गटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए गलत मतलब जिस गटर की आप कीड़ी हो आप समझ रही हो आपको थोड़ी इज्जत वहीं मिली बाकी तो आप वहीं रहती गांव में एंड आई लव माय मुंबई देखो भाई बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया ज्यादा सच भी अच्छा नहीं है मेरे भाई पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम है वही तो है कि नहीं एकदम नहीं मुझे आपसे जानना चाहूंगा आपके वक्त क्या कहते हैं कैसा अनुभव है फिल्म का हिस्सा बनने का और राकेश सर के बारे में राखी मैम के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मज़ा आया एक परिवार की तरह था पूरा माहौल और राकेश बहुत ही कोऑपरेटिव हैं अपने काम में और बहुत ज़्यादा मेहनती है राकेश सबसे पहले पूरी यूनिट में डायरेक्टर होने के बावजूद भी सबसे पहले ये उठते थे फिर पूरे यूनिट को उठाते थे और सबसे लास्ट में यही सोते थे और पूरे दिन काम करना मुझे याद है हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे वो बाइक वाला बेपना चाहता हूँ मैं बेपना आप देखेंगे अभी गाने तो उसमें बाइक मेरे को पैर पे लग गई थी और मेरा पूरा पूरा पैर जल गया था और नेक्स्ट डे हमको स्विमिंग पूल का सीन करना था और डॉक्टर ने मना किया था कि आप जले हुए पैर से पानी से दूर रहिए पर फिर भी हमने किया और बहुत अच्छा वो शूट हुआ जो सांसों में जो सॉन्ग है सांसों में भी अभी आप देखेंगे बहुत गाने तो बेमिसाल हैं
बहुत ही अच्छे गाने हैं, तो हमने कोऑपरेट किया, कुछ सबने कोऑपरेट किया, एक टीम वर्क की तरह काम किया, बहुत अच्छा। शी इज वेरी डेडिकेटेड, क्योंकि एक मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा पैर जल चुका था क्योंकि वो जो साइलेंसर है बुलेट का, ओह माय गॉड। एंड सेकंड डे शूट करा स्विमिंग पूल में, एंड अगर दूसरी कोई हीरोइन होती तो नहीं करती, डेफिनेटली कोई नहीं करता, कि डॉक्टर ने कहा था कि यू कैन नॉट शूट, बट इवन देन नूपुर ने पूरी ईमानदारी से उस फिल्म को कंप्लीट किया, क्योंकि हमारा शेड्यूल था, पूरी यूनिट थी वहाँ पर आउटडोर में, एंड फाइनली आज आपने ये जो गाना देखा है, सबकी हार्डवर्क है नूपुर, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू राखी।